हेलो पिलामाने, मधुआपुर जामिति क्लास को त्रिभुज मानक सर्वसम्मता रो भाग पंचम को तुमको स्वागत। टिके एहर चतुर्थ भाग कथा मन पका। जब तुम्हें मन पक आम चतुर्थ भाग रे को बा सर्वसम्मता कथा अनुसंधान आकार आम पढ़ी नुह कि चलो तापर सम्यक आलोचना कर। देख को बा सर्वसम्मता को बा सर्वसम्मता अनुसार गोटे त्रिभुजर दुई कोण और जेकोसी गोटे बाहु यथाक्रमे अन्य एक त्रिभुजर दुई कोण और अनुरूप बाहु सह सर्वसम हेले त्रिभुज द्वय सर्वसम नुहे कि। उदाहरण स्वरूप देख एठार त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ को लक्ष्य कर। जब तुम्हें लक्ष्य कर देखे एठार त्रिभुज एबीसी रो एंगल ए त्रिभुज डीएफ रो एंगल डी सह सर्वसम नुहे कि। एंगल ए सर्वसम एंगल डी ठीक से हीपरी त्रिभुज एबीसी रो एंगल बी त्रिभुज डीएफ रो एंगल ई सह सर्वसम चित्र देखि परथु। एंगल बी सर्वसम एंगल ई एवं आउ कौन सर्वसम पिला हाँ त्रिभुज एबीसी रो बीसी बाहु त्रिभुज डीएफ रो ईएफ बाहु सह सर्वसम तेणु बीसी बाहु सर्वसम ईएफ बाहु तेणु आम कहीपर जे कोको बा सर्वसम्मता अनुसार त्रिभुज ए बी सी सर्वसम त्रिभुज डीएफ यह ही कोको बा सर्वसम्मता बा कोण कोण बाहु सर्वसम्मता नुहे कि। हाँ पिलामाने यही सर्वसम्मता को आधार करी आज आम एक नुआ उपवाद्य पढ़ा जहाँकि तुम ज्यामित भाव उपवाद्य तेर रूपे वर्णना कर। चल से उपवाद्यटि कौन देख उपवाद्य तेर आउ यही उपवाद्य अनुसार गोटे त्रिभुजर दुई कोण सर्वसम हेले से सम्मुखीन बाहुद्वय मध्य सर्वसम यह हूँ उपवाद्य तेर। यही उपवाद्यटि दत्त मु कौन अच्छे देख गोटे त्रिभुजर दुई कोण सर्वसम हेले यही अंशटी आम दत्त अंश यहाँ नहीं प्रथम चित्रटी अंकन कर। देख एठार मु त्रिभुज एबीसी अंकन कली जार कि एंगल बी सर्वसम एंगल सी ए दुई गुण लक्ष्य कर बी सर्वसम एंगल सी एठार पाने कौन प्रमाण करार अच्छे ता जानवे कहले सामान्य कथन टी पुणी थे पढ़ गोटे त्रिभुजर दुईट कोण सर्वसम हेले से सम्मुखीन बाहुद्वय मध्य सर्वसम हे नुहे कि। तेणु आमको प्रमाण करार अच्छी जे जदि कोणद्वय सर्वसम ताल एम सम्मुखीन बाहुद्वय सर्वसम हे अर्थात एंगल बी रुखीन बाहु एस सी एवं एंगल सी रुखीन बाबू एबि एबि और एसी सर्वसम या प्रथम लिखि ना। देख दत्त आम लिखिले प्रमाण कौन करार अच्छे मत लिखि सारे बर्तमान आम प्रमाण को जीवा पूर्व आमको चिंता करार अच्छी जे यही दत्त को नहीं आम प्रमाण कर कि अंकन रवश्यकता अच्छे। हाँ पाने जदि एक सरल अंकन टी आम करदे आमपाई प्रमाण अति सहज हो तबे कौन से अंकन टी चल देखा यही स्थान को तुम्हें लक्ष्य कर ताल तुम जापर मु कौन अंकन कली। देख पाने देखिपार तो आम ये कौन अंकन कले एंगल ए रिखंड अंकन कले जहाँकि यार विपरीत बाहु बी सी को डी बिंदु छेद कला लक्ष्य कर तो हाँ तेरे बर्तमान मत कह प्रमाण को जीवा पूर्व यही समदी खंडक एडी अंकन कलापर त्रिभुज एबीसी केतोटी त्रिभुज में परिणत होगा ठीक भावु यह दुईट त्रिभुज में परिणत होगा यथा त्रिभुज ए डी बी लक्ष्य कर एवं त्रिभुज ए डी सी नुहे कि। तेब चल आम प्रमाण दिगर आगक बढ़िया त्रिभुज ए बी डी ओ त्रिभुज ए सी डी मध्य कौन सब समानता बा सर्वसम अंश गुड़िक अच्छी चलो देखिबा। देख आम जाणीचे एम एंगल ए बी डी एम एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एम एंगल ए सी डी कौन पे पे मैंने हाँ यह दत्त अच्छे आमको एंगल बी इक्वल्स टू एम एंगल सी बोल दत्त अच्छी
तेणु बी स्थान में आम ए बी डी लिखिपर एवं सी स्थान में आम एंगल ए सी डी लिखिपर एंगल ए सी डी यह आमको दत्त अच्छी ठीक अच्छे पे आने सर्वसम अंश गुड़ी अच्छे देख देख एक कोणटी को लक्ष्य कर एम एंगल बी ए डी इक्वल्स टू कहा संगे सामान एम एंगल सी ए डी ये कोण संगे सामान नुहे कि हाँ कहीं पे हाँ आम अंकन द्वारा यह पाइले लिखने एम एंगल बी ए डी लक्ष्य कर चित्र को इक्वल्स टू एम एंगल सी ए डी यह अंकन द्वारा संभव ठीक अच्छे आउ कौन सर्वसम अंश अच्छे पे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी मध्य ठीक लक्ष्य कल ए डी बाहू नुहे कि ए डी बाहू उभय त्रिभुज साधारण बाहू अटे तेणु ए डी बाहू साधारण तेबे वर्तमान मते कह जे एही सब सर्वसम्मता को नहीं आम कौ सर्वसम्मता उपवाद्य अनुच्छेद प्रयोग कले त्रिभुज द्वय को सर्वसम बोली कहीपर ठीक भावुच एवं टिके पूर्व जहाँ आम आलोचना करते को बा को जदि आम ने सर्वसम्मता उपवाद्य को ताल त्रिभुज द्वय को आम सर्वसम बोली कहीपर कारण देख त्रिभुज ए बीडी क त्रिभुज सी डी कोण सहित सामान नुहे कि ठीक से परी यही कोणटी बी ए डी सी ए डी सह सामान एवं ए डी बाहूटी हूँ उभयपाई साधारण बाहू तेणु को बा द्वारा आम कहीपर जे त्रिभुज ए बी डी को लक्ष्य कर सर्वसम त्रिभुज क्यों त्रिभुज ए सी डी ए सी डी कहीं को को बा सर्वसम्मत द्वारा ठीक अच्छे पे जदि त्रिभुज द्वय सर्वसम हो गले ताले निश्चित रूपे त्रिभुज ए बी डी प्रत्येक अंश त्रिभुज ए सी डी प्रत्येक अनुरूप अंश सह सर्वसम हो तेबे तुम्हें प्रश्न तेबे कह त्रिभुज ए बी डी एई ए बी बाहूटी त्रिभुज ए सी डी क्यों बाहू सह सर्वसम हम ठीक कही चो त्रिभुज ए सी डी ए सी बाहू सह सर्वसम हम नुहे कि तेबे चलो लेखिने अतएव त्रिभुज ए बी डी ए बी बाहू सर्वसम त्रिभुज ए सी डी ए सी बाहू बा ए कथा को आम अन्य रूप में लिखिपर इम्प्लाइज रेखाखंड चिन्ह दे दिव पे इम्प्लाइज ए बी दैर्घ्य इक्वल्स टू ए सी दैर्घ्य पे ये स्थान को लक्ष्य करो प्रामाण्य स्थान को आम कौन प्रमाण करने को ए बी इक्वल्स टू ए सी एटा को लक्ष्य कर ए बी इक्वल्स ए सी प्रमाण आम कर सारी तेणु एठार उपवाद्यटी प्रमाणित कौन पे बुझल तो हाँ तेबे चल आउ गोटे सर्वसम्मता उपवाद्य विषय पढ़ा देख बहर वर्णित चौदह उपवाद्य जहाँकि हूँ बा 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 सर्वसम्मता अर्थात बाहु 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 सर्वसम्मता आउ ए उपवाद्य अनुसार गोटे त्रिभुज तीन बाहु अन्य एक त्रिभुज तीन बाहु सह सर्वसम हेले त्रिभुज द्वय सर्वसम उदाहरण स्वरूप त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डीएफ को लक्ष्य कर लक्ष्य कले तुम्हें जापर जे त्रिभुज ए बी सी ए बी बाहू त्रिभुज डीएफ री बाहू सह सर्वसम सांकेतिक चिन्ह रूप दिखाई देख गोटे घर एटार गोटे घर दिखाई तुम लिखिपर ए बी सर्वसम डी ठीक से अन्य क्यों बाहू गुड़ी सर्वसम पे कह तो हाँ बी सी बाहू सर्वसम ईएफ बाहू नुहे कि पे एवं तृतीय बाहूटी एस सी बाहू कहा सह सर्वसम पे हाँ ठीक भावुच डीएफ बाहू सह सर्वसम
नुहे कि यही परिस्थिति रे आमे कहि परबा जे बाबा बा सर्वसम्मत अनुसार त्रिभुज एबीसी सर्वसम त्रिभुज डीईएफ। हाँ पिला माने एहार प्रमाण परीक्षा बहिर्भूत अटे, तेणु केवल आमे एहाकु प्रयोग करि विभिन्न प्रश्नर समाधान करिबा जहाकि एही सम्बन्धीय होइथिबो। तेबे चल तुम पाई मुझे प्रश्न आनी से गुड़ी को समाधान करवा। देख प्रथम प्रश्नटी को लक्ष्य कर। प्रथम प्रश्नटी हूँ निम्नस्थ चित्र मानक मध्यरु केउ चित्र गुड़ी को सर्वसम चिन्ह। देख ये तुम पाई मुझे चारोटी चित्र आनी। देख चारोटी चित्र को भल भाव लक्ष्य कर। चित्र एक, चित्र दुई, चित्र तीन एवं चित्र चार। देख चित्र एक को लक्ष्य कर, चित्र दुई सह तुलना कर। चित्र एक तीनोटी बाहू को लक्ष्य कर, चार सीएम, पांच सीएम, पांच दशमिक एक सीएम। चित्र दुई रे प्रथम बाहू छह सीएम, द्वितीय बाहू छह सीएम, तृतीय बाहू सात सीएम। या भितर किसी पूर्ण मेलन संपर्क रोच कि कौन सी प्रकार संपर्क ना युगुड़ी अलग अलग मापर एवं एठार तीन टी बाहू अलग अलग मापर। चित्र तीन को लक्ष्य कर, एक सह किसी संपर्क रोच कि एठार रोना जदि भल भाव लक्ष्य कर देख बाहूगुड़ माप सब अलग अलग। किंतु चित्र चार को लक्ष्य कर, चित्र एक को चित्र चार को लक्ष्य कर किसी संपर्क थी भाई लगुच। देख एठार गोटे भाव चार सीएम, चित्र चार गोटे भाव चार सीएम, गोटे भाव पांच सीएम, चित्र चार गोटे भाव पांच सीएम। ठीक से चित्र एक आउ गोटे भाव पांच दशम एक सीएम, चित्र चार पांच दशम एक सीएम। तेनालीराम जे चार सीएम गोटे बाहू आर चार सीएम सब सामान, पांच सीएम आउ गोटे बाहू पांच सीएम सब सामान, पांच दशमिक एक सीएम तृतीय बाहूटी यार पांच दशमिक एक सीएम। तेणु कौन भावुच पे यही टिके पूर्व आम पढ़ी बा 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 सर्वसम्मता। तेणु आम निश्चित रूप कहीपर जे चित्र एक सर्वसम चित्र चार। ठीक अच्छे पे मैंने केवल त्रिभुजटी ओलटा कर बाहूगुड़ी सब सामान माप। देख सी ठीक से भाई आम कहीपर चित्र दुई आ चित्र तीन को लक्ष्य कले कहीपर जे देख य चित्र दुई को लक्ष्य कर तुम निश्चित रूप कहीपर चित्र दुई सर्वसम चित्र क्यों चित्रटी चित्र तीन कारण यार तीनो बाहू देख लक्ष्य कर छ सीएम एटार छ सीएम पुणी आउ गोटे बाहू छ सीएम एर आउ गोटे बाहू छ सीएम एवं तृतीय बाहूटी सात सीएम एटार बाहू सात सीएम। तेणु कहीपर जे बाबा बा सर्वसम्मत अनुसार चित्र दुई सर्वसम चित्र तीन बुझल पे मैंने बर्तमान चल जा आम द्वितीय प्रश्न। देख द्वितीय प्रश्न, द्वितीय प्रश्न है निम्नस्थ चित्र मानक प्रत्येक त्रिभुजर केउ बाहूगुड़ी सर्वसम चिन्ह। तुम पाई मुझे तीनो त्रिभुज आनी। देख प्रथम त्रिभुज लक्ष्य कर त्रिभुज एबीसी को। त्रिभुज एबीसी को जब लक्ष्य कर सांकेतिक रूप से किसी दत्त दि जाइए कौन दत्त अच्छे एंगल बी सर्वसम एंगल सी देखिपर थो तेरे कहला देखी त्रिभुज एबीसी रे केउ बाहूगुड़ी सर्वसम हम आम उपाद्य तैयार कथ पढ़ीचे जदि गोटे त्रिभुज दुईट कोण सर्वसम हुए तो सम्मुखीन बाहूगुड़ सर्वसम हम तेणु आम अति सहजे कहीपर जे एठार त्रिभुज एबीसी रे जेहेतु बी एंगल बी सर्वसम एंगल सी तेणु बी रो सम्मुखीन बाहू सर्वसम सी रो सम्मुखीन बाहू नुहे कि अर्थात ए बी बाहू सर्वसम ए सी बाहू। आम उत्तर पाई सारे प्रथम टी ए बी बाहू सर्वसम ए सी बाहू। ठीक से हीपरी द्वितीय चित्रटी को देख त्रिभुज डीईएफ को लक्ष्य कर। तुम्हें लक्ष्य कर मन मन भाव सारी केउ बाहूगुड़ी सर्वसम नुहे कि देख एठार स्पष्ट एम एंगल डी शहे कोड़े डिग्री एम एंगल इ तीस डिग्री एम एंगल एफ मत तीस डिग्री तेणु इ आउ एफ कोण सर्वसम कोण तेणु एम सम्मुखीन बाहूगुड़ी सर्वसम हे अर्थात डी बाहू सर्वसम डीएफ बाहू डी सर्वसम डीएफ बुझल पे मैंने। तृतीय प्रश्न टी लक्ष्य कर एठार एम एंगल पी तीस डिग्री एवं एम एंगल क्यू पंचस्तरी डिग्री ताल कौन कहीपर कि हाँ एटार किपर कहीपर जदि तृतीय कोण को आम निरूपण करवा
ताहले त्रिभुज विषय में आम आहरी अनेक किसी धारणा पाइपर। चलो निरूपण करवा देख अठार पंचस्तरी आस मिसले है शहे पांच डिग्री। देख पंचस्तरी डिग्री प्लस तीस डिग्री शहे पांच डिग्री ताहले तृतीय कोण के शहे अशी ए स्थान कर दियो शहे अशी माइनस शहे पांच डिग्री समान पंचस्तरी डिग्री तार अर्थ यही कोण यही कोण। देख एम एंगल क्यू कोण और एम एंगल आर कोण परिमाण समान अर्थात एमाने सर्वसम कोण तेणु आम कहीपर जे क्यू रुखीन बाहू सर्वसम आर सम्मुखीन बाहू अर्थात पी आर इक्वल सर्वसम पी क्यू लिख दियो पी क्यू सर्वसम पी आर रेखाखंड चिन्ह दे दि बुझे पिला माने। देख आज आम गोटे त्रिभुज दुईट कोण सर्वसम हेले सेमानकर सम्मुखीन बाहुद्वय मध्ये सर्वसम एक कथा धारणा पाइले आउ किपरि प्रमाण करबा को होबो से कथा मते सिखिले ठीक सही परी बा 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 सर्वसमता विषय धारणा पाइले एवं शेषरे एही संबंधीय विभिन्न प्रश्नर किपरि समाधान करबो तार कौशल मते सिखिले। तबे आज पई एतिकी बाय बाय।